चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के पहले चैप्टर के अगले टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। हम लोग का अगला टॉपिक है आवेश का संरक्षण सिद्धांत तथा इसके मूल गुण। देखिए दोस्तों, इस ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि घर्षण से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ी जाएंगी तो वहाँ पर आवेश वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और आवेश कितने तरह के उत्पन्न होते हैं? दो तरह के। और उन दोनों आवेशों के बीच जो भेद उत्पन्न करता है कि ये प्लस है ये माइनस है, वो पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहलाती है, मीन्स आवेश की ध्रुवता कहलाती है। तो यहाँ तक हम लोग उसकी अंतिम पॉइंट तक पहुँचे थे। ये पहुंचे थे कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ी जाती है, जैसा कि एग्जांपल लेकर चली गई थी, मान लो कि ये आपका कांच है, ये कांच मतलब शीशा, और ये आपका रेशम है। जैसे हम लोग कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर निकल कर चली आती है, तो रेशम धनात्मक हो जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये रेशम क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन कांच धनात्मक हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे आप कांच को रेशम से रगड़ेंगे ऐसे, तो कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन इस रेशम के ऊपर चली जाती है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण ये ऋणात्मक हो जाती है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, कांच से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण धनात्मक हो जाती है। क्यों? आखिर जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक क्यों होती है, और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो धनात्मक क्यों होती है? इस बात को मैं अंत में बताया था कि अगले वीडियो में पूरी विस्तार से डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस बात को ध्यान से समझते हैं। पहले ये आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि जैसे ही आप कांच को रेशम से रगड़ना स्टार्ट करेंगे तो कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चलाएगा, ठीक है ना, कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चलाएगा। तो कहने का मतलब, यहाँ पर आवेश नया नहीं बना रहे हैं, यहाँ आवेश उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आवेशों का पुनर्वितरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से एक स्थान। आवेश का हम लोग न तो उत्पन्न कर सकते हैं और आवेश को नहीं तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ आवेशों का पुनर्वितरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो यही सिद्धांत होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाती है। जैसे आप कांच को रेशम से रगड़ेंगे, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पर चले आएंगे, तो क्या हो रहा है कि आवेश एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, एक ऋणात्मक हो रही है, एक धनात्मक हो रही है। तो आवेश के इसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत, मतलब आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही तो नष्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, किसी भी विद्युत निकाय के भीतर का जो टोटल आवेश होता है एकदम स्थिर होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। चलिए पहले बात ये समझ लेते हैं कि किसी कोई वस्तु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक क्यों होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक क्यों होता है। एग्जांपल लेकर चलते हैं। चलिए ऐसा एग्जांपल ध्यान से समझेंगे। मान लो कि मेरे पास सोडियम है, ध्यान देंगे बुआ, सोडियम है मेरे पास, और जानते हैं सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। आपको मालूम होनी चाहिए कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1। तो यहाँ पर 2 का अष्टक पूरा हुआ, 8 का भी अष्टक पूरा हुआ, इसका अष्टक नहीं पूरा, 1 का। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। तो एक जो है ना, इसका अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन 1 है, ये अपना अष्टक पुराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। ये क्या करेगा, एक जो इलेक्ट्रॉन सोडियम का बच रहा है इसके अंतिम कक्षा में, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण ये सोडियम क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब पहले एक बात आप ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति धनी कब कहलाता है, जब वो किसी को कुछ दे सकता है तभी वो व्यक्ति धनी है, और जो लेता है वो क्या है, गरीब है। क्यों? क्योंकि लेने वाला गरीब है और देने वाला हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखो यहाँ पर सोडियम दे रहा है तो इसका मतलब सोडियम क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अभी बेचारा किसको देता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सोडियम आपको क्या मिल गई कि सोडियम जो है ना धनात्मक है। क्यों? क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है और देने वाला हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसा क्लोरीन की, तो आपको मालूम होना चाहिए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे जाए तो 2, 8, और इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 7। यानी यहाँ पर देखिए 2 का भी अष्टक पूरा, 8 का भी अष्टक पूरा, इसके अंतिम जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचे हैं 7, ये अपना अष्टक पुराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये बचा रहा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं, त्यागे हैं, वही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। कौन ग्रहण करता है, क्लोरीन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ले रहा है, लेगा कब, जब इसके पास कमी होगा, मतलब ये ऋणात्मक होगा। यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण से क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। लेने वाला ऋणात्मक और देने वाला क्या होता है, धनात्मक होता है। इस बात को अपने माइंड में ध्यान से समझिए। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, बहुत बड़ी पॉइंट यहाँ पर छुपी हुई है। देखिए
यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर 281 है। अब इसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना अस्तक पुराने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दे देगा किसी और को, तो देने के कारण से सोडियम क्या हो जा रही है धनात्मक। और यहाँ पर क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 287। अब इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 7 जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना अस्तक पुराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेंगे और अपना अस्तक पुरा लेते हैं, तो लेने के कारण से क्लोरीन क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन रहा है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा वो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रही है, इस बात को मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से सोडियम क्या होगा धनात्मक हो गया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से क्लोरीन क्या होगा ऋणात्मक हो गया। तो जिसमें त्याग का गुण होता है वो कहलाता है धनात्मक, और जिसमें ग्रहण करने का गुण होता है वो कहलाता है आपका ऋणात्मक। तो यहाँ पर दो तरह के आपको पॉइंट निखर के आते हैं, ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट ये कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसमें धनात्मक गुण आ जाएंगी। मैं लिख दे रहा हूं, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह वस्तु धन वस्तु कहलाएगी। लेकिन ठीक इसके यदि उल्टा चले, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है वो ग्रहण करता है तो वह वस्तु ऋण वस्तु कहलाएंगी। कौन सी वस्तु कहलाएंगी, ऋण वस्तु कहलाएंगी। यानी देखिए कोई वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वो धन वस्तु कहलाएगा, और कोई यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाएगा ऋण वस्तु कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बहुत अधिक पैसे हैं तो मैं अपने पैसे में से यदि किसी को दे पाऊं तो मैं धन कहलाऊंगा, और जिसने लिया वो क्या कहलाएगा ऋण कहलाएगा। यानी त्यागने की क्षमता धन और लेने की क्षमता ऋण होती है, इस बात को ध्यान से समझिए। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से धनात्मक होती है। जैसे आपने कांच को रेशम से रगड़ना स्टार्ट किया तो कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर आ गए, तो ये रेशम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है जिसके कारण से रेशम ऋणात्मक हो जाता है, और यहाँ पर कांच में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाती है जिसके कारण से कांच क्या होता है धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बात आपको निकल के आ गई कि कोई वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक होगा। अब आपने एग्जांपल में देखा कि जैसे ही आप कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच का कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले आते हैं। तो यहाँ एक बेसिक बात समझने वाली यह है कि यहाँ हम लोग आवेश अपने से उत्पन्न नहीं करते हैं कि ये ऋण हो गया ये धन हो गया, बस अर्थ होता क्या है कि ये एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। यहाँ पर आवेश का उत्पन्न नहीं होता और नहीं हम लोग आवेश को नष्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि रेशम को कांच से रगड़ दिए तो कांच का इलेक्ट्रॉन खत्म होते जा रहा है, वहाँ पर आवेश को क्या कर हम लोग नष्ट करते जा रहे हैं, नहीं, वहाँ पर सिर्फ आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में उसको कर रहे हैं। तो यही गुण आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाती है। यानी आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को नष्ट भी नहीं कर सकते हैं और न ही आवेश का उत्पन्न भी कर सकते हैं, बशर्ते एक काम कर सकते हैं कि आवेश का पुनर्वितरण कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यानी आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। यानी किसी भी गोले के अंदर यदि कोई आवेश है तो वो हमेशा स्थिर रहेगा। ये दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी विद्युत निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर होता है, ये भी क्या कहलाता है आवेश का एक संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। लेकिन अपनी भाषा में ये लिख सकते हैं, पूछेगा एग्जाम में कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाती है, ठीक है ना। तो इस बात को शायद आप अभी तक समझ गए होंगे कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या कहलाती है, चाहे आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है एक बार ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात,
ठीक है ना। यानी आवेश के संरक्षण सिद्धांत ये कहती है कि आवेश को उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं, नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, बशर्ते उसको एक रूप से दूसरे रूप में आप चेंज कर सकते हैं। तो ये होता आवेश का संरक्षण सिद्धांत, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। मैं लिखना भी इसको उचित नहीं समझूंगा, आप डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, जैसा कि कांच और रेशम का एग्जाम्पल आप लेकर चलिएगा। अब चलते हैं आवेश का कुछ गुण जानते हैं, कि आवेश के कुछ गुण के बारे में उसके मूल गुण को गुण की चर्चा करते हैं जरा सा। एग्जाम में भी पूछता है कि आवेश के मूल गुण को लिखे, इसके कौन कौन से आवेश के गुण हैं। तो देखिए पहले पहले मैंने आपको पढ़ाया आवेश का क्वांटमीकरण, उसके बाद आप ये पढ़े कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का योग। जैसे देखो मैं आवेश का मूल गुण आपको बता रहा हूँ, दो तीन तरह का मूल गुण आपको बताऊंगा। पहला मूल गुण कि मैंने बताया कि आवेशों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, तो आवेश का क्वांटमीकरण आपको बताया गया कि जब आवेश को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, चाहे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, तो आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसका मतलब आवेश का ये भी एक तरह का गुण है कि आवेश का क्वांटमीकरण संभव है। तो इसका पहला गुण ये लिख सकते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण संभव है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, मतलब आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला मूल गुण यही आपकी बनती है मूल गुण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा इसका गुण क्या बनेगा, तो मान लीजिए कि मैं बहुत सारा आवेश ले लिया, उसको जोड़ने के लिए बोलूं, जैसे मान लो कि यहां पर Q+2Q+3Q+4Q मैं दे दूँ, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, सारे आवेशों को जोड़ सकते हैं। 1Q 2Q कितना होगा, 3Q 3 3 6Q और 6 4 10Q, आप यहाँ पर जोड़कर टोटल लिख सकते हैं 10Q। ऐसा नहीं है कि आवेशों को आप जोड़ नहीं सकते हैं, आवेशों को आसानी से आप जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इनका एक मूल गुण हुआ। और आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं, योगात्मक का मतलब आवेशों को आप जोड़ सकते हैं, वनली फ्री है। तो दूसरा इसका मूल गुण हो गया कि आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश योगात्मक होते हैं, ठीक है, आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। तो पहला मूल गुण है कि आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, यानी आवेश का क्वांटमीकरण होता है। दूसरा कि आवेशों को आप जोड़ सकते हैं आसानी से, यानी आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। और तीसरी बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आप पढ़ चुके हैं, आवेश का संरक्षण होता है। कहने का मतलब आवेश जो होता है ना सुरक्षित होता है, किसी भी विलगित निकाय के अंदर का जो टोटल आवेश होता है वो क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो तीसरा जो मूल गुण होगा वो होगा कि आवेश संरक्षित होते हैं, यानी आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं। तो ये तीन तरह का आवेश का मूल गुण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। तो आपने क्या देखा, आवेश का मूल गुण कौन कौन सा हो सकता है, तो आवेशों को छोटे छोटे टुकड़े में आप काट सकते हैं, यानी आवेश का क्वांटमीकरण हो सकता है। दूसरी बात कि बहुत सारे आवेशों को आप जोड़ सकते हैं, यानी आवेश का आवेश योगात्मक होते हैं, आवेशों को जोड़ सकते हैं। और तीसरी बात, आवेश को उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं, नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसका पुनर्वितरण एक रूप से दूसरे रूप में आप कर सकते हैं। तो यह आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाती है, यानी आवेश संरक्षित होते हैं। तो यह तीन तरह का जो है ना आवेश का मूल गुण है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने देख लिया कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत ही हो गया, आवेश का मूल गुण भी हो गया। अब जैसा चलते हैं चालक और विद्युत रोधी के बारे में आपको जानना है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में आपको जानना है। तो पहले ये समझिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्लियर हो गया, आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।
बस या ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर होता है। वहाँ पर आवेश न तो उत्पन्न करेंगे न तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लिखिएगा आवेश के संरक्षण सिद्धांत में कि इसके अनुसार आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कर दे कि आवेश का मूल गुण लिखे, तो आवेश का मूल गुण ये होगा कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है, आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं। अब इसके अंदर की बातें मैं आपको बता चुका हूँ, अब चलते हैं। अब कुछ और भी बातें हम लोग समझ लेते हैं साइड में। देखिए हम लोग जानते हैं चालक के बारे में थोड़ा सा, चालक या इसका एक और नाम होता है सुचालक। अब दूसरी बातें जान लेते हैं विद्युत रोधी या अचालक या इसका एक और नाम है कुचालक। आप सारे नामों से परिचित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बेसिक से। तो अब आप ही बताइए, चालक नाइन्थ में भी शायद पढ़ना है, एट में भी आपको पढ़ना है, ये सारी बातें जानना ही है। तो चालक या सुचालक क्या होती है, विद्युत रोधी या अचालक या कुचालक क्या होती है, ये तीनों नाम एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं विद्युत रोधी कहने का मतलब दूसरा होगा, अचालक कहने का मतलब दूसरा होगा, नहीं। अब देखिए, तो चालक का मतलब क्या हो गया, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी निर्जीव सजीव सब लेकर चलते हैं, ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं इस वर्ल्ड में, तो जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में जितनी में धारा प्रवाहित हो सकती है वो कहलाएंगी चालक या सुचालक, और जितनी वस्तुओं में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वो कहलाएगी अचालक, विद्युत रोधी या कुचालक। जैसे मान लो कि मेरे पास ये घड़ी है, मैं इस घड़ी में अगर करंट जोड़ूं तो क्या इस घड़ी में धाराएं बह सकती है, नहीं, ये घड़ी निर्जीव है, इसमें धाराएं नहीं बह सकती हैं। लेकिन वही मैं बात बोलूं कि जल लेकर चल जाए, जल में करंट आप पैदा करिए, बिजली का एक तार ले जाकर जल में डाल दीजिए, तो क्या वहाँ विद्युत धाराएं नहीं उत्पन्न होगी, नहीं होगी। तो वैसी वस्तुएँ क्या होती हैं, सुचालक होती है। कहने का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा वो कहलाएंगी सुचालक या चालक कहलाएंगी, और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाए वो कहलाएंगी अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी कहलाएंगी। जैसे मान लो कि ये मेरे पास किताब है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये फिजिक्स का आपका किताब है, ठीक है, ये किताब है आपका। अब इसमें मैं धारा जोड़ दूँ, मतलब मैं धारा प्रवाहित करना चाहूँ, अगर बिजली का तार इसमें जोड़ दूँ तो क्या इसमें धाराएं बह सकती है, नहीं, क्योंकि ये निर्जीव है, इसमें धाराएं नहीं बहेंगी। तो इसका मतलब ये कौन सा पदार्थ हो गया, ये पदार्थ आपका कुचालक हो गया, अचालक हो गया, विद्युत रोधी हो गया। लेकिन वही मैं बात करूँ कि मान लो कि ये आपका एक रड है, रड लोहा है, ये मानकर चलिए, सिर्फ इसमें कल्पना करते हैं हम लोग कि ये क्या एक रड है। अब मान लो कि इसमें करंट लेकर इसमें क्या करो, एक तार जोड़ दो, या मैं इसमें धारा प्रवाहित करना चाहता हूँ, तो ये लोहा है तो क्या इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें बहुत आसानी से धाराएं प्रवाहित हो जाएंगी। तो देखो, कहने का मतलब बात सीधी सी है कि चालक या सुचालक किसे कहते हैं, तो जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो, यानी क्या हो, जिसमें क्या हो, धारा का प्रवाह हो, ठीक है, और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो, धारा का प्रवाह नहीं हो, बात सीधी सी है, ठीक है बाबू, थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है ना। देखिए, चालक या सुचालक का मतलब क्या होगा, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए वो चालक कहलाएंगे, नहीं तो सुचालक कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे, ठीक है। और विद्युत रोधी या चालक या कुचालक का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाए, जिसमें धारा बह ही नहीं सके, जैसे सूखी लकड़ी, किताब, कलम, कॉपी, जितनी भी इस दुनिया में निर्जीव वस्तुएं वो सब क्या होती हैं, अचालक, कुचालक और विद्युत रोधी होती है। उसके बाद चालक का मतलब क्या हो गया, जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, हरे पौधे और भी बहुत सारे एग्जांपल इस दुनिया में मौजूद है, ठीक है ना। जल भी है, जल में भी धाराएं बह सकती है, लोहा हो गया। तो विद्युत रोधी का मतलब हो गया जिसमें धारा नहीं बहे, और चालक या सुचालक का मतलब होगा जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो। तो आई होप आपको ये सारी बातें अब बेटर से समझ में आई है। अब अगले वीडियो में देखिए, हम लोग एक बहुत ही बड़ी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आपके आते ही हैं, जिसका नाम है कूलॉम्ब नियम, कूलॉम्ब्स लॉ, कूलॉम्ब के नियम। अगले वीडियो में इस पॉइंट को पूरी बेसिक से हम लोग समझेंगे, सारे थ्योरी को समझेंगे और इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेटर से समझेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कूलॉम्ब नियम के साथ।